चीजों को मन में किस तरह से याद करने का, देखिए मैं और विशेष पहुंचकर हम आपको लगेगा हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्योंकि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि मास्टर के सामने भी ऐसा नहीं लिखा कि आप यहाँ मुर्गी मत लीजिए यहाँ कटका, उन्होंने एक आउटलाइन दे दी है तो वो गाते अच्छा गाएंगे तो वो बास्टर के साथ भी हमको मारेंगे, बोले तुमको अकल नहीं है कि हमने तुमको एक स्केलेटन दिया है, पर स्केलेटन में सोल डालना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा मिसेस बॉन्कर एक लार्ज और फिल्म सॉन्ग या जो इजी उनको याद होता है वो पढ़ाते हैं और फिर मंजिश को लेते हैं, तो एटलीस्ट उनको वो राग का एक स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है और तो ये सब अवॉइड होना चाहिए। हम लोग जब सिखाते तब ब्रज में धूम मचाया तो ये बच्चे या जो पाई सिखा रहे संदेश जब वो संदेश आपसे गा रहे थे उसके बाद उसको मजा आता है सुनने में भी। तो यदि एबीसीडी सिखाने उनको एबीसीडी नहीं मालूम और आप बेस्टन का पैराडाइज लॉस्ट या शेक्सपियर का सुनाएंगे तो आप अपना नॉलेज बता रहे कि उनके लेवल से जा रहे। अच्छा वो नॉलेज बता रहे तो आपने जो ढाकर है उनके सामने बताइए जो नॉलेज है। तो बच्चों को क्या विचार, बच्चे बच्चे हैं उनको ऐसे डर जाते हैं, यदि जिसको नॉलेज नहीं हो उसको भी वो आदमी प्यारा लगने लगे नॉलेजेबल तब तो उसको नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज बांटना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए।